हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नायक। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th का चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक टॉपिक, सॉल्ट्स एंड फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट्स, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब सॉल्ट बनेगा और साथ में बाय प्रोडक्ट होगा हमारा वाटर। फॉर एग्जांपल, अगर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा NaCl प्लस वाटर। NaCl सोडियम क्लोराइड है और ये एक सॉल्ट है। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि सॉल्ट एक जनरल टर्म है, वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड या जो घर में हम नमक यूज़ करते हैं सिर्फ उसके लिए यूज़ नहीं होगा, ये एक जनरल टर्म है और बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। अब सॉल्ट्स की नेमिंग हम किस तरह से करते हैं इसके लिए देखिए, अ सॉल्ट हैज टू पेरेंट्स, एन एसिड एंड अ बेस। हमने अभी देखा कि एसिड और बेस को जब हमने रिएक्ट कराया तो सॉल्ट बना, तो एसिड और बेस को हम सॉल्ट के दो पेरेंट्स मानकर चलते हैं। तो इसलिए जो सॉल्ट का नाम होगा उसे भी हम दो पार्ट्स में रखेंगे। द नेम ऑफ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ बेस एंड सेकेंड पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एसिड। फॉर एग्जाम्पल, NaCl देखिए हमारा किससे बना था, NaOH और HCl को जब हमने आपस में रिएक्ट कराया। अब NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड, ये नाम देखिए कहाँ से आया, जो इसका फर्स्ट पार्ट है सोडियम वो आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के पार्ट से, और क्लोराइड जो है वो आया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्लोरिक पार्ट से, क्लोरिक से बना है क्लोराइड। तो जो ये फर्स्ट पार्ट है सोडियम ये आया है हमारा बेस से, और जो सेकंड नेम है इसका क्लोराइड या सेकंड पार्ट है जो वो आया है हमारा एसिड से। तो आपको ये इस तरह से लिखना नहीं है, ये आपने नहीं लिखना है, दिस शुड नॉट बी रिटन। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि हम नेमिंग इस तरह से करेंगे, फर्स्ट पार्ट बेस से आएगा और सेकेंड पार्ट एसिड से आएगा। अब देखिए, एसिड से जो सॉल्ट्स बन रहे हैं उनके लिए हम एक पर्टिकुलर नाम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जितने भी सॉल्ट्स बनेंगे उनको हम कहेंगे क्लोराइड्स, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट्स को हम कहेंगे सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट्स को हम कहेंगे नाइट्रेट्स, कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट्स कार्बोनेट्स, और एसिटिक एसिड के सॉल्ट्स को हम कहेंगे एसिटेट्स। इसी तरह से और भी एसिड्स हैं जिनके पर्टिकुलर नाम हैं। अब नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स क्या हैं? सबसे पहले, दे आर मोस्टली सॉलिड्स, ज्यादातर सॉलिड्स होंगे। नेक्स्ट, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट, दे आर यूजली सॉल्यूबल इन वाटर, जनरली पानी में डिजोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, क्योंकि वो जब पानी में हम उन्हें डिजोल्व करेंगे तो उनके अंदर आयनाइजेशन होगा, आयन्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट, दे आर आयनिक कंपाउंड्स, ये सॉल्ट्स जो हैं जनरली आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो इनके अंदर कटायंस और अनायंस प्रेजेंट हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस आर सेट टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। देखिए, अभी हमने देखा कि जो सॉल्ट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो उनके अंदर पॉजिटिव आयंस भी होंगे और नेगेटिव आयंस भी होंगे। अब इसी बेसिस पर हम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए NaCl और Na2SO4, अगर इन दोनों सॉल्ट्स को हम डिसोसिएट करें तो NaCl के आयंस बनेंगे Na+ और Cl-, Na2SO4 के आयंस क्या बनेंगे Na+ और SO4 2-। तो दोनों के जो पॉजिटिव आयंस हैं वो सेम है, तो हम कहेंगे NaCl एंड Na2SO4
belong to a family of same salts called sodium salts. दोनों sodium salt की family को belong करते हैं. Next example देखते हैं. NaCl और KCl. NaCl के आयंस क्या बनेंगे? Na plus और Cl minus. KCl के आयंस बनेंगे K positive and Cl negative. तो इसमें देखिए दोनों के negative आयंस same है. तो हम कहेंगे कि NaCl और KCl same family of salts को belong कर रहे हैं और इस बार नाम होगा chloride salts. तो they both belong to chloride salts family. तो इस तरह से अगर हमें कोई भी salts दिए हुए हैं और हमें ये पता लगाना है कि वो same family में है या नहीं, तो हम उनके आयनाइजेशन करेंगे, उनके आयंस बना लेंगे. और फिर अगर उनके आयंस सेम है, पॉजिटिव सेम है या फिर नेगेटिव सेम है, तो हम उन्हें एक ही फैमिली में प्लेस कर देंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस. दो द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, सम सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस. इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर सॉल्ट्स हमारे न्यूट्रल होंगे, यानी उनका पीएच 7 होगा, लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो वो है न्यूट्रल, उसका पीएच है 7. अब अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एसिडिक है विद पीएच ऑफ 6. सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बेसिक है, पीएच 9 है उसका. तो अब कुछ सॉल्ट सॉल्यूशंस आपके न्यूट्रल हैं, कुछ एसिडिक हैं और कुछ बेसिक भी हैं. इसका रीजन क्या है? एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर. इस बेसिस पर ही हम बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक है. अब हाइड्रोलिसिस होता क्या है एक्चुअली? Hydrolysis means splitting up of a compound by the action of water. अगर किसी compound में पानी डाला जाए तो वो split हो जाता है, इसको हम बोलते हैं hydrolysis. For example, देखिए अगर हम strong acid को एक weak base में मिलाएंगे तो हमारा acidic solution बनेगा. अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो गिवन सॉल्ट है वो एसिडिक है या बेसिक है? तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे अमोनियम क्लोराइड का. अगर हम अमोनियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करें, यानी उसे पानी में ऐड करें, तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, NH4OH और HCl. अब NH4OH जो है ये एक वीक बेस है और HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन हमारे पास हमें ज़्यादा मिल रही है और OH माइनस आयन्स की कंसंट्रेशन हमें कम मिल रही है. तो इसलिए अमोनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन है. तो इस तरह से हमें अगर कोई भी सॉल्ट गिवन है, हम उसे वाटर में ऐड करेंगे और उसके प्रोडक्ट्स देखेंगे. उसमें हमें देखना होगा कि कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पार्ट वीक है. जो पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा वही उस सॉल्ट का नेचर बनेगा वाटर के अंदर. इस पार्ट में हमारा HCl स्ट्रॉन्ग था, एसिड स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए अमोनियम क्लोराइड की सॉल्यूशन हमारी एसिडिक है. स्ट्रॉन्ग एसिड तो एसिडिक सॉल्यूशन. सेकंड केस क्या रहेगा? अगर हम वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएं तो हमारी बेसिक सॉल्यूशन बनेगी. देखिए बेस स्ट्रॉन्ग है तो रिजल्ट जो सॉल्यूशन का आएगा सॉल्ट का वो स्ट्रॉन्ग आएगा. फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. अगर हम Na2CO3 की हाइड्रोलिसिस करें तो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे NaOH और H2CO3. अब NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन कम है और OH माइनस आयन्स की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में ज़्यादा है. अब क्योंकि OH माइनस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो Na2CO3 का जो सॉल्यूशन है वो हमारा बेसिक होगा. स्ट्रॉन्ग बेस तो सॉल्यूशन भी हमारी बेसिक होगी. बहुत सिंपल फंडा है. हमें सिंपली गिवन सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करनी है, प्रोडक्ट्स पता करने हैं और हमें स्ट्रॉन्ग और वीक पार्ट्स को देखना है.
लास्ट पार्ट देखते हैं। अब अगर हमारा एसिड भी स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है और हम उन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर हम NaCl को पानी में ऐड करें तो हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए NaOH भी एक स्ट्रांग बेस है और HCl जो एसिड है वो भी एक स्ट्रांग एसिड है। दोनों ही हमारे पास स्ट्रांग है, यानी कि जितनी हमारी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही हमारी H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन होगी। और जब कंसंट्रेशन इक्वल है तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा न्यूट्रल बनेगा। तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस के थ्रू हम चेक करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कैसा पीएच देता है। तो होपफुली आपको ये सॉल्ट्स का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अब जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर देंगे और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।